हुण बेटा आप सत्तवीं क्लास का अध्याय चार सरल समीकरण की अभ्यास 4.1 का दूजा सवाल करन जा रहे हैं। ध्यान देखना कहता है, जाँच करो कि ब्रैकटा विच दिते हुए मुल दिती हुई संगत समीकरणा दे हल हन जा नहीं। सेम पहले सवाल की तरह ही है बेटा, चैक वैदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज़ अ सल्यूशन और नॉट। आप ब्रैकेट तुसी देख रहे हो, इस ब्रैकेट दे विच एन का मुल एक दिता होया है ते आ तुहानू एक समीकरण दिती हुई है। असी ये पता करना है कि ये जिहड़ी एन का मुल है इस समीकरण का हल है जां नहीं है। कितना पता करांगे, जिदा असी इस तो पिछले सवाल विच पता किया, असी एन की थां एक भरांगे। एक भरन तो बाद जे खब्बे हथ का आंसर तो सज्जे हथ का आंसर बराबर आता है तो हल है, नहीं तो हल नहीं है। हुण देखो ध्यान नाल, सानूं एन एक दिता गया है, असी हुण एन नहीं लिखना, एन की थां एक लिखना है। इत्थे लिख देंगे एन बराबर एक है, इस करके हुण एन एक है जमा पांच बराबर 19। एक जमा पांच किन्ने होंदे ने 6। की 6 ते 19 बराबर होंदे ने? गलत। इहदा मतलब आंसर की होएगा? हल नहीं है। एन बराबर एक समीकरण का हल नहीं है। क्लियर बेटा? हुण आपां दूजा भाग करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो सारे। इस कह रहे 7n जमा 5 बराबर 19 ते n दा मूल सानूं दिता गया है -2। हुण ध्यान नाल देखो बेटा, पहला असीं 7 उतारांगे, फिर एन दी एन नूं ब्रैकेट च भरांगे -2, क्योंकि एन 7 दे नाल गुणा हो रहा है। एन दी थां लिखिया -2 जमा 5 बराबर 19। सारा क्वेश्चन सारी समीकरण सेम उतार देनी है, बस एन दी थां -2 भरना है। 7 × 2 = 14 ते गुणा वेले जे -1 लगा होवे दोनों दे विच तां 1 लगता है, जमा 5 बराबर 19। याद रखियो, दो रकमां नूं गुणा करन ते गुणा हो जाती है। फिर देखते हैं कि दोनों दे कोल माइनस दे चिन्ह किन्ने सीगे, जे 1 माइनस दा चिन्ह है तां लगता है। हुण 14 बेटा माइनस दा है, 5 प्लस दा है। हुण प्लस माइनस तुहानूं पता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस हुंदी है, इन्हां नूं घटाया तां साडे कोल बच गया 14 विचों 5 गए 9, ते वड्डे दा मान माइनस दा चिन्ह लगेगा बराबर 19। ये भी तुहाडे कोल की आ गया है बेटा, खब्बा हथ ते सज्जा हथ सेम नहीं है, गलत है। इसका मतलब एन बराबर -2 हल नहीं है। तो असी लिख लिया देखो कि गलत आया है, इंग्लिश वाला बच्चा रोंग लिखेगा, इसका मतलब एन बराबर -2 हल नहीं है, तो एन -2 इज़ नॉट अ सल्यूशन। अगला भाग देखो बेटा, हूँ एन दी मुल 2 दिता हुआ है, असी इस सवाल को हल करांगे। 7 लिखांगे, ब्रैकेट विच 2 पावांगे, जमा 5 बराबर 19। 7 × 2 = 14, हूँ दोनों प्लस देने, इस करके 14 भी प्लस का होएगा बराबर 19। 14 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, दोनों प्लस 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 हो गए, 14 दे विच 5 जोड़े तो किन्ने हो गए 19, तो 19 बराबर 19 बिल्कुल सही आया है, करैक्ट आया है। इहदा मतलब की होया कि एन बराबर 2 समीकरण का हल होगा। तो आप लिख चुके हैं देखो कि 19 बराबर 19 सही आया है, करैक्ट आया है, इस करके एन बराबर 2 समीकरण का हल है। एन इज इक्वल टू इज़ अ सल्यूशन। हुण अगले सवाल में बेटा, पी का मुल 1 दिता होया है, असी 4 लिखांगे, पी की थां ब्रैकेट विच 1 भरांगे, -3 बराबर 13। पूरी समीकरण सेम उतार ली है। हुण 4 × 4 -3 बराबर 13, पर 4 दे विचों 3 घटा के तां 1 मिलता है, तो जो कि गलत आ गया है, 1 ते 13 बराबर नहीं हो सकते। इहदा मतलब पी बराबर 1 समीकरण का हल नहीं होगा। असी लिख लिया है बेटा कि पी बराबर 1 हल नहीं है, जां पी बराबर 1 इज़ नॉट अ सल्यूशन। अगला भाग देखो बेटा, 4p -3 बराबर 13 दे विच पी नूं हुण -4 भरना है। ध्यान देखियो, 4 लिखांगे ते पी दी थां -4 -3 बराबर 13। हुण 4 × 16 माइनस नाल लगेगा, -3 बराबर 13, 16 भी माइनस दा, 3 भी माइनस दा, ते माइनस माइनस हो गया प्लस, बन गया 19, पर साइन वड्डी रकम दा माइनस दा लगेगा, जो कि फिर द्वारा तुहाडा की आ गया है, गलत आ गया है, रोंग आ गया है। इहदा मतलब समीकरण का हल नहीं है। हुण अगला भाग बेटा ध्यान नाल देखना है, 4p -3 बराबर 13, पी नूं असीं 0 भरना है, पी दी थां 0 भर लिया गया है, -3 बराबर 13। 4 नूं 0 नाल गुणा कीती 0 हुंदा है, ते उहनूं लिखण दी लोड़ नहीं, की बच गया -3 बराबर 13, जो कि फिर द्वारा तुहाडा की आ गया है, गलत आ गया है, इस करके समीकरण का हल नहीं होगा। इस तरह अपना बेटा 4.1 अभ्यास का दूजा सवाल भी कंप्लीट हो गया है।
उम्मीद कर रहे हैं तुहानू समझ आया होएगा। जे किसी बच्चे ने मेरे चैनल में अजे तक सबसक्राइब नहीं किया है तो जरूर सबसक्राइब कर दियो ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो तुहानू फोन दे विच अपने आप ही शो हो जाए।